नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे जगन्नाथपुरम ब्लॉग में। हार्दिक स्वागत है दोस्तों और शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज रथ यात्रा है और 2 साल बाद अभी रथ यात्रा हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल COVID-19 के वजह से नहीं हुआ, बंद हो गया था। तो इस बार मौका मिला है हम लोग को श्री प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और आज हम जा रहे हैं ओडिशा में। हमारे प्रमुख पुरी में सबसे बड़ा रथ यात्रा होता है वहाँ पर। और दोस्तों, हमारे ओडिशा में गांव, हर गांव गांव में, विलेज एरिया में भी मतलब रथ यात्रा होता है। और ग्रामीण क्षेत्र का आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं रथ यात्रा कैसा होता है। हम लोग का गांव तरफ जो होता है, आज मेरा ससुराल में हो रहा है रथ यात्रा आज, और आज शुरुआत हुआ है, आज फर्स्ट है जो रथ यात्रा। और रथ यात्रा तो हमारे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है दोस्तों। और दिखाते हैं वहाँ कैसा श्री जगन्नाथ जी का नगर भ्रमण कैसे किया जाता है, भजन कीर्तन करके कैसे मेला सब लगता है, दुकान बाजार सब लगता है, वो सब दिखाएंगे। नमिता भी कुछ बोलेगी आज। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम लोग अभी मायके जा रहे हैं सब तीन लोग मिलके यात्रा देखने के लिए, और आज बहुत खुश है नमिता, उनका मायके जा रहे हैं हम लोग रथ यात्रा देखने के लिए। और दोस्तों, कल हमारे गांव का है और हमारे गांव का भी दिखाएंगे कल। और कल स्वरूप का छुट्टी नहीं है, आज खाली कभी को छुट्टी है, तो आज जिस दिन फास्ट रथ यात्रा रहता है उसी दिन स्कूल सब छुट्टी रहता है, और बाहड़ा के दिन। और कल तो स्कूल खत्म होगा स्वरूप का, फिर उल्टी वाला जाएंगे दोपहर को हम लोग फिर अपना गांव। और दोस्तों, अपना गांव का भी दिखाएंगे। अभी हम लोग फटाफट निकलते हैं यहाँ से, आप लोगों को रथ यात्रा पूरी विस्तार रूप से दिखाते हैं आज की ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए और आप लोगों को श्री प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कराते हैं दोस्तों।
बोलो भगवान। देखिए गाइस अभी हम लोग रात खींच रहे हैं, जय जगन्नाथ। ई वर्ष बहुत समागम रे आम रथयात्रा पालन होउछि, आउ दारु ब्रह्म पाती मान को दर्शन करवा लागि आसीछ, आउ बहुत समागम होइ कि दर्शन होउछे। दिवसटा खूब एथी थिली करोना लागि, किंतु प्रभुंकर एते करुणा रही थाउ सबु दिन आमके दर्शन देकि आमके नौ था। आठ अख चारि चक, आठ अख षोल चक, आठ अख षोल चक, आठ अख षोल चक, चारि नायिका रे रथ, चारि नायिका रे रथ, त्रिवेणी र बैना আমার প্রিয় অজা মানে আমার যুবপিঢ়ীকে কানা উপদেশ দেবার লাগি চাহুছ, এইনে গোটে হলে যুবপিঢ়ী আমার ভজন কীর্তন রে কেহে নি লাগবার। প্রভুর ইনে রথ টানলা বলে তো আসিছিল, কিন্তু এবে ভজন কীর্তনটে হবার কথা, এনে কেহে আমার যুব পিলা কেহে নি না নি না, সবু বয়স্কিয়া লোক মানে অছ বলে আমার যুবপিঢ়ী গোটে কানা উপদেশ দেবার লাগি চাহুছ। না আপনার যুবপিঢ়ীকে এমনি আপন মানে ভি আমার ভলিয়া সেথি রহিকি ই কলা সংস্কৃতিকে বজায় রখিকি তাঙ্কর পদরেণু থি জগন্নাথঙ্কর রহবার কথা, আমার প্রভুর ভক্তি করবার কথা, প্রভুর ভক্তি করবার কথা, সেইটা আমার উপদেশ, আর সেটা হি সংসার মুক্তি পন্থা। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে ভেট হয়ে গেলাম, আজ বোরিমুড়া আসিছে। আর গাই যাবি থোড়া থোড়া ইধর জিতনা ভি ভক্ত লোক হ্যাঁ অভি রথযাত্রা দেখনে কে লিয়ে আ রহে হ্যাঁ, উধর পিছে তরফ যে রথ হ্যাঁ আমরা খড়া হুয়া হ্যায় উধর দেখিয়ে, তো সব ভক্তগণ জিতনা ভি হ্যাঁ সব দর্শন কর রহে হ্যাঁ। আর ইধর আমারে গাঁও সে চাচা আয়ে হ্যাঁ, আমারে চাচা তো পুছতে হ্যাঁ ক্যা কিলো হ্যায় আজ মিঠাই কা কত লেখা কিলো বাবা? 150। হ্যাঁ কহ টিকে, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। গাইজ হাম লোক কা ইধর 150 রুপিয়া মিঠাই কিলো হ্যায়, আপ লোক কে উধর কিতনা হ্যায় আপ লোক কমেন্ট বক্স মে জরুর বতায়ে। আর দোস্তো কমেন্ট বক্স মে জয় জগন্নাথ ভি জরুর লিখনা মত ভুলনা দোস্তো। হ্যাঁ ঠিক চালিছে তো, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। কেতে লাগা কিলো তোমার আড়ে? ও শঙ্করু, জয় শিব শঙ্করু। হাই যে নমিতা সে মিলিয়ে দেখিয়ে মিঠাই খরি দেখাও ক্যা ক্যা খরিদে, মিঠাই খরিদে হ্যাঁ। আর স্বরূপ কে দেখিয়ে ক্যা খরিদে, হ্যাঁ আর উধর ডাল খরিদি হ্যাঁ, আর ইধর রথ কে ফির বাপস লে রহে মন্দির, মন্দির কি ওর।
और गाइस इधर मेरे मित्र लोग देखिए, हम लोग मिले हैं यहाँ मेला धार में, और इधर हमारे कन्ना भाई आए कौन ये सुनील भाई हमारे कड़गा मोहन बाब पूरा दाढ़ी तो पूरा चमाचम। हेलो गाइस, इधर मेरे साली लोग चाट खा रहे हैं देखिए, और इधर यात्रा अभी शाम होने वाला है, खत्म होने वाला है। कंधा लगू रे है भल लगू है करो टे दिया टे दिया टे खाए मुँह दियो। ये है बिना का वो अंजलि, और ये तो ना कहना कविता के दला रे लव बलट बैलून है के दला। हेलो गाइज, अभी हम लोग पहुंचे घर फिर सुंदरगढ़ आ गए, क्योंकि कल स्वरूप का स्कूल है दोस्तों 6 बजे से। आज का हम लोग का जो धीरा यात्रा वाला वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं। और दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही होता है, और क्योंकि दोस्तों इधर हमारे लोकल एरिया है ना सुंदरगढ़ से मतलब 15-20 किलोमीटर दूरी पे ये गांव है, तो इधर हिंदी थोड़ा नहीं जानते हैं, तो हिंदी भजन भी नहीं जानते हैं दोस्तों, इसलिए उड़िया भजन हुआ और इसलिए मैं उड़िया में दिखाया। तो दोस्तों आज का हम लोग का रथ यात्रा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो कृपया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा जितना भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले यात्रा ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग में। पवित्र रथ यात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, जय जगन्नाथ।